अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज अमित कबी खान एंड दिस इज माय ऑफिशियल चैनल शॉर्ट टाइम लर्निंग। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक एक्साइटेड सी ट्रिक लेके, जिस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप में किस तरीके से अपनी बैकग्राउंड पिक्चर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड पिक्चर बेसिकली आप लोग समझ रहे होंगे आपकी चैट में जो बैकग्राउंड पिक्चर लगी होती है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ होम पेज पे व्हाट्सएप के। आप उधर अपनी कोई भी ट्रांसपेरेंट पिक्चर लगा सकते हैं जो कि दिखने में बहुत ही कूल है। ये ट्रिक सीखने के लिए एंड तक मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको ये इजीली समझ आ सके, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मेरी वीडियो के बारे में ज़रूर बताएँ ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर वीडियो ला सकूँ। अब चलते हैं हम उस ट्रिक। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है जिसका नाम है डिजाइनर टूल, और डिजाइनर टूल एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद सेकंड वाले पे जाऊंगा जिसका नाम है मेकअप ओवरले। हाँ, मेकअप ओवरले पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं अपनी कोई भी पिक्चर डिसाइड करूंगा, जैसे कि मैं ये क्लॉक वाली पिक्चर डिसाइड करता हूँ और इस पिक्चर को मैं कर दूंगा। तो अभी ये अभी बैकग्राउंड पे सेट नहीं है, लेडी ही सेट है जो कि आप देख सकते हैं। मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद दोबारा मेकओवर पे जाके इसको डिसेबल करके फिर एनेबल करूंगा। जैसे एनेबल करूंगा आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर आ जाती है और मेरी ये स्ट्रिक्स है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे पिक्चर सेव है। जो आप व्हाट्सएप वगैरह ओवरऑल कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। अब मैं दोबारा वही पिक्चर लगा देता हूँ और आप देख सकते हैं आपके सामने वही पिक्चर मेरी दोबारा आ चुकी है। कोई भी एप्लीकेशन ब्राउज़र कुछ भी खोलेंगे आपको ये इजीली शो होगा।